A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today, I will teach you English. Now, I am going to take up chapter 1, word basket. आज हम करेंगे word basket. तो इसमें first meaning है pleasant. Pleasant means, इसका means क्या है? Nice, enjoyable. Means, nice means अच्छा या फिर जिसको हम बहुत enjoy करें. ओके नेक्स्ट इज इटर्निटी. इटर्निटी का मीनिंग क्या है? टाइम विदाउट एंड. ऐसा टाइम जो कभी भी एंड ही ना हो, जो हमेशा चले. ओके नेक्स्ट इज माइटी. माइटी का मीनिंग है वेरी पावरफुल और इम्पॉर्टेंट. माइटी मीन्स इसको हम क्या बोलेंगे? बहुत ही शक्तिशाली हो जो. ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसमें ये थ्री मीनिंग्स दिए हुए हैं. इसको आपको चैप्टर नंबर, चैप्टर नेम मेंशन करने के बाद इसको आपको आपकी फेयर नोटबुक में लिखना है. ओके नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन स्किल. इसमें हम ए पार्ट देखेंगे. पहले टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो आंसर करेक्ट होगा उस पर हम टिक करेंगे. चलिए फर्स्ट देखते हैं. लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक्स अ माइटी. जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं पानी की, वो क्या बनाती हैं? वो शक्तिशाली क्या चीज़ बनाती हैं? ओशियन बनाती हैं, ट्री बनाती हैं या फिर पॉन्ड? वो बनाती हैं ओशियन. तो हम ओशियन पर टिक कर देंगे. नेक्स्ट इज लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक अ ब्यूटीफुल. जो छोटे छोटे दाने होते हैं रेत के, वो क्या बनाते हैं? रॉक, लैंड या स्काई? वो बनाते हैं बहुत ही सुंदर लैंड. तो हम लैंड पर टिक कर देंगे. नेक्स्ट इज लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस एंड लिटिल वर्ड्स ऑफ लव मेक अवर अर्थ. जो डीड्स होती हैं, छोटी छोटी डीड्स होती हैं दयालुता की, या फिर जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं प्यार के, वो हमारी अर्थ को कैसा बनाते हैं? डेजर्ट, माउंटेन या फिर एडन? वो बनाते हैं एडन. तो हम एडन पर टिक कर देंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब हम करेंगे बी पार्ट. बी पार्ट है कंप्लीट द स्टैंजर्स ऑफ द पोइम. हमको देखिए इसमें पोइम दी हुई है, इसको ये क्या है? इसको हमको कंप्लीट करना है, इसके स्टैंजा को. ओके चलिए देखते हैं, कंप्लीट करेंगे हम इसको. सो द लिटिल मोमेंट्स हम्बल थो दे बी. ओके नाउ मेक द माइटी एजेस. उसके नीचे हम क्या लिखेंगे इसको कंप्लीट करने के लिए? ऑफ इटर्निटी. ओके नाउ सेकेंड वन इज लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस. फिर हम लिखेंगे इसमें, देखिए वो आपको ब्लैंक दिया हुआ है, उसमें लिखेंगे आप लिटिल वर्ड्स ऑफ लव. फिर दिया होगा मेक आवर अर्थ हैप्पी. फिर आप लिखेंगे लाइक द हेवन अबव. ओके इस तरीके से आप, जैसे मैंने किया है ऐसे ही आप उसको, अपने स्टैंजा को कंप्लीट करेंगे. ओके नाउ सी पार्ट इज मैच द फॉलोइंग. चलिए ये देखते हैं आप. फर्स्ट वन इज लिटिल ड्रॉप्स. इसको हम किससे मैच करेंगे? लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर. तो ऑफ वाटर पर आप वन नंबर लिखेंगे. नेक्स्ट इज लिटिल ग्रेन्स. लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, इस पर आप ऑफ सैंड पर सेकंड नंबर लिखेंगे, टू नंबर लिखेंगे. नेक्स्ट इज मेक द माइटी ओशियन. तो माइटी ओशियन पर आप थर्ड नंबर लिखेंगे, थ्री नंबर. एंड फोर्थ इज एंड द प्लेजेंट लैंड. तो प्लेजेंट लैंड पर आप नंबर फोर लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द राइमिंग वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग. अब हमको क्या लिखना है? राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं. चलिए देखते हैं. सैंड. सैंड का क्या होता है? लैंड. ओके नेक्स्ट इज लव. लव का डव. नेक्स्ट मेक. मेक का सेक. नेक्स्ट लिटिल. लिटिल का ब्रिटिल. ओके नेक्स्ट एज. एज का सेज. नेक्स्ट इज डीड. डीड का क्या होता है? नीड. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस. देखिए हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, सिक्स वर्ड्स दिए हैं, इसके हमको सेंटेंसेस बनाने हैं. जैसे मैंने राइट में बनाए हैं, आप देख सकते हैं. चलिए देखते हैं. फर्स्ट नंबर इज ड्रॉप्स. ड्रॉप्स का क्या बनाएंगे? मैनी ड्रॉप्स मेक्स अ शावर. देखिए ड्रॉप्स वर्ड मैंने अपने सेंटेंस में यूज़ किया है, ऐसे ही आपको भी करना है. तो क्या है ड्रॉप्स का? मैनी ड्रॉप्स मेक अ शावर. बहुत सारी बूंदों से क्या बनता है? बौछार, शावर बनता है. नेक्स्ट इज सैंड. सैंड से क्या बनाया है? देखिए वी मेड अ सैंड कैसल. सॉरी
हमने क्या बनाया, हमने बनाया सैंड कैसल। कैसल क्या होता है, महल। ओके, सैंड से कैसल बनाया। नेक्स्ट इज मोमेंट्स। मोमेंट्स क्या होता है, इसका क्या है सेंटेंस, इट मे रेन एट एनी मोमेंट, मतलब कभी भी बारिश हो सकती है, किसी भी समय बारिश हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इज इटर्निटी। इटर्निटी का मीनिंग देखिए, सेंटेंस क्या बनाया हमने, आई वॉज कैप्ट वेटिंग फॉर एन इटर्निटी, मतलब मैं हमेशा तक इंतज़ार कर रहा था। ओके, मतलब इटर्निटी क्या होता है, जो कब समय कभी ख़त्म ही ना हो, जो समय मैंने आपको अभी बताया था, जो समय हमेशा चलता रहे। ओके, नेक्स्ट इज लव। वी लव आवर पेरेंट्स, हम अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज हैवन। आई जस्ट वॉन्ट टू गो टू द हैवन, मैं हैवन जाना चाहता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज, नाउ स्टूडेंट्स अब हम करेंगे नेक्स्ट हमारा आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमारे चैप्टर वन का क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वॉट डू लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक, जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं पानी की वो, और छोटे जो रेत के छोटे छोटे दाने होते हैं वो क्या बनाते हैं। द लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक अ वेरी पावरफुल ओशियन, जो छोटे छोटे बूंदें होती हैं पानी की वो क्या बनाती हैं, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली ओशियन बनाती हैं। और जो ग्रेन एंड ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द प्लीजेंट लैंड, और जो ग्रेन्स हैं जो रेत के छोटे छोटे दाने हैं वो क्या बनाती हैं, प्लीजेंट लैंड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डू लिटिल मोमेंट्स मेक, जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं वो क्या बनाते हैं। लिटिल मोमेंट्स मेक द माइटी एजेस ऑफ इटर्निटी, एक बहुत ही शक्तिशाली अनंत काल, जो एक समय बनाते हैं, ऐसा समय बनाते हैं जो अनंत काल तक चले, ऐसी चीज़ें बनाते हैं लिटिल मोमेंट, जो चीज़ें अनंत काल तक चले, हमेशा तक चले। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट डू लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस एंड वर्ड्स ऑफ लव डू, जो छोटी छोटी डीड्स होती हैं दयालुता की, या फिर जो छोटे छोटे शब्द होते हैं प्यार के, वो क्या करते हैं। लिटिल डीड्स ऑफ काइंडनेस एंड वर्ड्स ऑफ लव मेक आर अर्थ हैप्पी लाइक अ हेवन अबव, ये क्या करती हैं, ये हमारी अर्थ को इतना खुश, इतना अच्छा बनाती हैं, जैसे कि हेवन होता है, ऊपर हेवन होता है, स्वर्ग होता है, उस तरीके से अपनी अर्थ को बनाती हैं। कुछ दयालुता के वर्ड, जो मतलब हम अच्छे से हम किसी से बिहेव करते हैं, अच्छे से बोलते हैं, तो वो क्या उससे सब लोग खुश होते हैं। तो ये इससे ऐसा कैसा लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे हम हेवन में हों। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर वन के वर्ड मीनिंग्स किए हैं, उसकी एक्सरसाइज की है और क्वेश्चन आंसर्स किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको जो क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग आपको आपकी फेयर नोटबुक में डन करना है, और बाकी की एक्सरसाइज आपको आपकी बुक में फिल करना है। ओके, और इसके बाद ये पूरा चैप्टर आपको आपका प्रॉपरली लर्न करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ़।